भर्ती आती है, दो महीने रहते हैं बच्चे तैयारी करते हैं पूरी, उसके बाद आते ही एक दो दिन पहले पोस्टपोन कर देते हैं, डेट पे डेट दे रहे हैं। प्रैक्टिस में क्या नहीं लगता, एक महीने का खर्चा मिनिमम 5,000 रुपये है, गरीब हमारे माँ बाप कहाँ से ला के देंगे। हमने नौकरी करनी है तो आर्मी में करनी है, आर्मी के सिवा हम नौकरियाँ नहीं करें, और यह सरकार बार बार हमारी भर्ती डगान लाग रही है, और एज बना दिए, बूढ़े बना दिए, नाबालक है कि जाओ इतने बालक एक दे। तिरंगे लेकर सड़कों पर उतरे ये वो नौजवान हैं जो भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपने गरीब माँ बाप के खून पसीने की कमाई तैयारियों पर खर्च करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब भर्ती नजदीक आती है तो उसे रद्द कर दिया जाता है। जी हाँ, ये कोई एक बार नहीं हुआ, बल्कि इन युवाओं का आरोप है कि पिछले 2 सालों में 5 से 6 बार रोहतक में होने वाली सेना की भर्ती को रद्द किया गया है। बार बार भर्ती रद्द करने के विरोध में आज रोहतक में सैकड़ों युवा सड़कों पर उतराए, और इस दौरान उन्होंने सरकार को साफ तौर पर कह डाला कि कोरोना का बहाना बनाकर भर्ती रद्द न करें, वरना सैकड़ों हजारों युवा ओवरएज हो जाएंगे, जिसके चलते सेना में जाकर देश सेवा का उनका सपना टूट जाएगा। सर हमारी भर्ती ना, जैसे साल में दो साल हो लिए सर, भर्ती करीब आती है तभी पोस्टपोन कर देते हैं। जैसे सभी गरीब मजदूरों के बच्चे हैं सभी, यहाँ पे कोई साहूकार नहीं है फौज के लिए, सभी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं सारे बच्चे। प्रैक्टिस में क्या नहीं लगता, एक महीने का खर्चा मिनिमम 5,000 रुपये है, गरीब हमारे माँ बाप कहाँ से ला के देंगे। भर्ती आती है, दो महीने रहते हैं बच्चे तैयारी करते हैं पूरी, उसके बाद आते ही एक दो दिन पहले पोस्टपोन कर देते हैं, डेट पे डेट दे रहे हैं, कुछ नहीं करे, हम क्या करें। बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो रही है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते, कहीं अदर फील्ड में भी नौकरी भी नहीं मिल रही आज के टाइम में। और फौज के लिए हमने जुनून है, तैयारी कर रहे हैं खुद, हम अपनी खुद आंख ले रहे हैं, फिर भी भर्ती नहीं दे रहे हमारी, ये हम क्या करें। सरकार से बस यही अनुरोध करते हैं कि हमारी भर्ती जल्दी से जल्दी या डेट दे, या फिक्स डेट बता देना कि नवम्बर में या दिसंबर में या जनवरी में, एक डेट हमको फिक्स मिला दे, ताकि हमारा महीने का मंथली खर्चा जो कि हम दे नहीं पा रहे घर पे, तैयारी इतनी ज्यादा, खर्चा इतना ज्यादा लग रहा है कि गरीब परिवार से सब बिलोंग करते हैं। हम प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं जी, हमारी भर्ती बार बार डगाई जा रही है, 4 बार डगा दिया, हमारे कुछ भाई हैं जो ओवर एज भी हो गए, गरीब हमने भी इस बात का खतरा किया हम भी ओवर एज ना हो जाए। किस चीज की भर्ती, हमारी इंडियन आर्मी की भर्ती है जी, 2 साल हो गए हमारी भर्ती ना, इन्हें हम ऑर्डर रगड़न लाग रहे हैं, गात ने घर के खर्चा देने लाग रहे हैं, कितने दे हमारे घर के बार बार खर्चा, कितने के घर, हम बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, हमने को जगह ही नहीं मिल रही, कितने प्राइवेट ना कितने सरकारी ना कितने भी कोई काम धंधा नहीं है। हम फौज की तैयारी अपने जुनून खातिर करा है, अपने देश का नाम रोशन खातिर फौज में बढ़ रही है ना, नौकरी और भी बतेरी है, हम और भी कर सका, हमारे में दिमाग भी, हम पढ़ लिख भी सका, लेकिन नहीं, हमारा भीतर एक बात का है, हमने नौकरी करनी है तो आर्मी में करनी है, आर्मी के सिवा हम नौकरियाँ नहीं करें, और यह सरकार बार बार हमारी भर्ती डगान लाग रही है, और एज बना दिए, बूढ़े बना दिए, नाबालक है कि जाओ इतने बालक खड़े, जो हमारे 4 साल छोटे थे, हमारे छोटे भाई वह हमारी गेला खड़े हो ग्राउंड में रेस मारे हैं, क्यों उनकी एज होगी और हमारी इतनी भर्ती नहीं ली जा रही। एक गरीब का बच्चा जब सेना में भर्ती होने का सपना देखता है तो उसे कई प्रकार की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। एक भर्ती में उसका 10 से 12 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं, और जी तोड़ मेहनत के बाद जब भर्ती रद्द होती है तो उसके और उसके परिवार पर क्या गुजरती होगी, उसका अंदाजा इन युवाओं के रोष में साफ देखा जा सकता है। युवाओं का कहना है कि जब कोरोना महामारी में नेता बड़ी बड़ी रैलियां कर सकते हैं तो सेना की भर्ती में क्या समस्या है। सेना की भर्ती जल्द कराने की मांग को लेकर इन युवाओं ने डीसी कार्यालय में अपना ज्ञापन दे दिया है, और अब देखना होगा कि सेना की भर्ती कब होती है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।